आपके घर के पूजा घर में अगर यह तीन वस्तुएं नहीं हैं तो निश्चित मानकर चलें इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तीनों वस्तु अपने घर में ज़रूर लाना है और पूजा घर में ज़रूर रखना है। इन तीनों वस्तुओं को रखने से घर में सुख समृद्धि शांति तो बनी रहती है, साथ ही साथ पैसों की जो तंगी चल रही है वो दूर होती है, आपस में कलेश बना हुआ है वो दूर होता है और रोग ऋण शत्रुओं से रक्षा होती है। घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं तो वो निरोगी रहना शुरू कर देते हैं। तो सारे मामलों के लिए ये तीन वस्तुएं अगर आपके घर में नहीं हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद लाएं। कौन सी वो तीन वस्तुएं हैं आज इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, वो तीन वस्तुएं हैं जो आपको अपने पूजा घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद घर में उन्हें स्थापित करें, लाभ होगा। पहली वस्तु है कासव, यानी कि कछुआ। अपने घर के मंदिर में उत्तर दिशा में ज़रूर स्थापित करना चाहिए। वहीं नंबर दो पर है लहसुन, लघु नारियल आता है तो नंबर दो पर लघु नारियल आप पूजा की दुकान पर जाएंगे, उनसे लघु नारियल मांगें, वो आपको देंगे। लघु नारियल जहाँ पर होता है तो यह मान लो कि यह श्री फल श्री की प्राप्ति कराता है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, घर में सुख और वैभव प्रदान करता है। तीसरी जो वस्तु है आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए वो है शंख। लेकिन ध्यान रहे, शंख पूजा घर में एक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये तीनों वस्तुएं कासव, लघु नारियल और शंख, ये जिस घर के पूजा घर में रहता है वहाँ पर वास्तु दोष नहीं लगता। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।